हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सीएनए चैनल की तरफ से आज हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं इंडस्ट्री पोस्ट कोरोना में। आज हमारे साथ है तरुण जैन जी बावा, जो कि बहादुर के टेक्सटाइल एंड नीटवेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ ही वो प्रेसिडेंट हैं ऑल फेडरेशन ऑफ होजरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ लुधियाना। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। नमस्कार तरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोरोना एक बहुत ही क्रूशल फेस रहा है हमारी सभी इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो आप जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5500 MSMEs आपके अंडर सर एज ए प्रेजेंट आप उन्हें लीड कर रहे हैं, तो सर आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और अब किस तरह से ये सिचुएशन सर चेंज हो रही है? सबको मेरा नमस्कार। जो आपका प्रश्न है भी, कोरोना काल में हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे डील कर रहे हैं, तो इस समय सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ भाई, भगवान की कृपा से ही सारे काम होते हैं और भगवान की, ईश्वर की कृपा से ही हम इसमें से जूझ रहे हैं। इस समय हमारी जो लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री है बहुत बुरे फेस में से निकल रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे लुधियाना के दो सीज़न होते हैं, समर और विंटर के। कोरोना जब स्टार्ट हुआ 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो उस समय समर की स्टार्टिंग थी, तो समर का सीज़न हमारा ना कोई प्रोडक्शन हो सकी फैक्ट्री में, ना कोई लेन देन हो सका, सारा हमारा समर का सीज़न फ्लॉप हो गया। उसके बाद हमारा अब इस समय विंटर का सीज़न स्टार्ट है, तो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो प्रवासी लेबर है यहाँ पे पंजाब में, लुधियाना में, मोस्टली यूपी और बिहार की जो लेबर है वही हमारी फैक्ट्रीज में काम करती है, वो सारी डर के मारे भाग गई। सबको मालूम है अभी कोरोना काल में सबको अपनी अपनी जान बचाने का डर इतना ज़्यादा था, तो ये सब लोग, गवर्नमेंट ने भी उनको भेजने में मदद की, उसकी वजह से अब लेबर आहिस्ता इस एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है 60-70% लेबर हमारी आ चुकी है। उसके हिसाब से ही 60-70% हमारी फैक्ट्रियों में इस समय प्रोडक्शन चल रही है। और सर, अगर मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि कोरोना काल था तो आपने जैसे जिक्र किया, तो सर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई, उनसे सर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे आ रहा है? सर ऐसा है जी भाई, अगर सही शब्दों में पूछो, ये कोरोना एक सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं, पूरे विश्व की महामारी है, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना किया अच्छा किया, बट हमें उनसे जो उम्मीदें थी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वैसी नहीं हुई, क्योंकि ये महामारी थी ऐसी। अब मैं उनको भी बेचारा ही कह सकता हूँ भी, स्टेट गवर्नमेंट वाले हमारे सीएम साहब या प्रधानमंत्री मोदी जी भी, वो किस हद तक, वो हम लोगों को, इतना बड़ा देश है 130 करोड़ का, वो कैसे संभालें, तो उनकी भी बेबसी है। जो जो उनको कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका कोई ला इलाज बीमारी है, उसमें जो जो उनको समझ आती गई, जितना उन्होंने किया ईश्वर की कृपा से उन्होंने अच्छा किया। तो सर, जैसे कि एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो सिनारियो बहुत चेंज हो गया इंडस्ट्री को लेकर, या किसी भी सेक्टर की हम बात करते हैं, तो सर जो भी प्रेजेंटली जो टैक्सेशन जो हमारी पॉलिसी है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें आपको लगता है अभी इसके कोरोना के बाद में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका मुझे बहुत प्रभावित किया, ये प्रश्न ने वो इस प्रकार, क्योंकि अब जो तो होना था वो तो हो चुका, जो बीतना था वो बीत चुका, अब हमें इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय भी लूँगा आपका। ऐसा है, इस समय हमें हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दो तरह के थ्रेट्स हैं, एक है हमारे कंट्री का, हमारा टैक्सेशन सिस्टम का थ्रेट, और दूसरा है हमें सबसे बड़ा चाइना का थ्रेट। जितना कपड़ा हमारे देश में, लुधियाना में पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, हौजरी की, एक्रेलिक की, और त्रिपुरा में 100% कॉटन में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। जितना कपड़ा हमारे पूरे हिंदुस्तान में बनता है, आपको सुनकर शायद ये हैरानी होगी, उससे दो गुना से भी ज़्यादा कपड़ा और गारमेंट चाइना हमारे कंट्री में भेज रहा है, और वो भी जो बांग्लादेश से ड्यूटी फ्री का समझौता हमारे देश के साथ हुआ है, वाया बांग्लादेश वही गारमेंट और कपड़ा हमारे देश में आ रहा है, जिससे हमारी टेक्सटाइल की मार्केट पिछले कई सालों से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सवाल है भी अब हमने आगे क्या करना चाहिए। अब जैसे चाइना एक तरह से ब्लैक लिस्टेड हो गया है पूरे वर्ल्ड में, अब पूरे वर्ल्ड की जो नज़रें हैं वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई पॉपुलेटेड कंट्री है तो वो हमारा
हिंदुस्तान है। जैसे चाइना में तकरीबन 150-160 करोड़ की पॉपुलेशन है, 125-130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में है। तो अब चाइना से अगर हम कपड़ा अगर जो और गारमेंट जो वहाँ से आता है अगर उसके ऊपर हम रोक लगाएं और हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ये थ्रेट हमारा ख़त्म हो सकता है। हमारे लोगों को मेक इन इंडिया का जो मोदी साहब का सपना है वो तभी साकार होगा अगर हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा। नंबर दो, जो दूसरा थ्रेट मैंने जो कहा भी हमारे अपने देश का है, वो है यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम। इनकम टैक्स और GST इसको हटाकर अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए तो मैं समझता हूँ हम जो व्यापारी हैं हम ईज़ ऑफ बिजनेस चाहते हैं। हम ये बेफजूल की रिटर्नें भरना, इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर मारना, GST ऑफिस में रिफंड्स लेना, ये चक्कर में से हमारे निकालने का एक ही तरीका है भाई बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। ये इनकम टैक्स ऑफिस और GST ये अबॉलिश हो जाना चाहिए। और उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारे देश में कच्चे और पक्के का सिस्टम चलता है सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे दो तरह की इकोनॉमीज चल रही हैं। हमें इस समय क्या करना चाहिए भाई, मोदी साहब को वॉलंटरली डिस्क्लोजर स्कीम लेके आनी चाहिए कम से कम 20 पैसे में। जिसके पास भी कोई आज की डेट में अनअकाउंटेबल मनी या ब्लैक मनी पड़ी है वो 20% में अपना सरेंडर करे और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी ना हो, कोई क्वेश्चनआंसर ना हो। अब जो 80% पैसा बचा है उसमें से हम लोग एडवाइस करते हैं भाई 20% तो वो व्यक्ति अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। उसका जो बचा हुआ 80% है उसको MSME इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए, चाहे वो खुद काम करता हो या MSME बैंक के मार्फत, एक MSME बैंक क्रिएट होना चाहिए उसके मार्फत, वो बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा MSME इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए या नई इनोवेशन करने के लिए वो बूस्टअप होना चाहिए। तीसरा, 100 रुपये से ऊपर की करेंसी बंद होनी चाहिए और जितनी भी ट्रांजेक्शन है, टोटल डीमोनेटाइजेशन के टाइम में आया था भी 17.5 लाख करोड़ की करेंसी छपी है हमारे देश में, जिसमें से 3 लाख करोड़ की करेंसी तो है छोटे नोट 100 रुपये तक और 14.5 लाख करोड़ हैं बड़े नोट थे 100 से ऊपर के। अब हमें वो 100 रुपये से ऊपर की जो 14 लाख करोड़ की करेंसी को ख़त्म करके, जो ये जो सेकेंड स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ खाने पीने की वस्तुएँ, दूध, राशन, करियाना, दूध दवा के लिए जो 3 लाख करोड़ की करेंसी है जो कि 100 रुपये से बीच बीच की है, उसको तो कैश ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी का हर एक तरह का व्यापारिक लेन देन 5,000 से ऊपर का वो थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स के मार्फत होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स के चेयरमैन को बुलाए और जो इकोनॉमिस्ट इतने इतने बड़े बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनसे बैठ के बात करे। हमारा टोटल 25 लाख करोड़ के करीब का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिसमें से मैं समझता हूँ भी 12-13 लाख करोड़ रुपया होता है इनकम टैक्स से और 12 लाख करोड़ रुपया होता है GST से। सरकार को 25 लाख करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए इतना तामझाम क्यों, सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं? वो 25 लाख करोड़ रुपया अगर बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स के मार्फत आएगा, ऑन एवरी एंट्री जब भी कोई लेन देन होगा, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स ऑटोमेटिकली। अब हम 3 महीने के बाद एडवांस टैक्स पे करते हैं या हर महीने हम GST की या TDS की रिटर्न जो हम भरते हैं, हर ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को टैक्स होगा। और ये इकोनॉमिस्ट को और बैंक के चेयरमैन को बुला के पूछा जाए भी आपकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके मुताबिक 1 लाख के ऊपर 100 रुपया या 200 रुपया या जो भी बनता है वो एक क्वार्टर में लगाए। अगर एक क्वार्टर का टैक्स उतना बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स के मार्फत इकट्ठा हो जाता है तो उसको उतना ही रहने दे, अगर कम हो जाता है तो थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दे, अगर ज़्यादा हो जाता है। मैं समझता हूँ भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के सिस्टम से गवर्नमेंट को इतना इजी वे से टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, ये 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है आपका, थोड़ा सा डिटेल है बट आई थिंक अगर कुछ ऐसे फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी में आएगा तो इसका डेफिनेटली बिग इंपैक्ट निकल के आएगा। अब सर मैं लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने इंडस्ट्री को बहुत नज़दीकी से देखते हो तो आपको आने वाले जो टाइम है, जो आने वाले 3 या 4 या 6 महीने, आप इस टाइम में सर इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हो, इंडस्ट्री रिकवर कर रही है जो इकॉनमी को किस तरह से, आपके लग का आपका क्या पॉइंट व्यू है इन चीज़ों के लिए?
ऐसा है, आज हम अपनी टेक्सटाइल की जितनी भी मशीनरी है वो सारी हम यूरोपियन मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी को 30 साल पहले ग्रैब करना शुरू कर दिया था। चाइना के पास इटसेल्फ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम अगर कपड़े की बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेज स्पिनिंग, निटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग, इसमें इस्तेमाल होने वाले ये गारमेंट के प्रोसेस में सभी मशीनरी हम कोई जर्मनी से ले रहे हैं, कोई इटली से ले रहे हैं, कोई जापान से ले रहे हैं, और चाइना ने वो सब यूरोपियन और जापानीज कंपनी को अपने वहाँ पे काम करने का मौका दिया, और कम प्राइस में। जो अगर हम वही कंपनी की मशीन अगर हम जर्मन से पहले खरीदते थे, चाइना ने उसको कम प्राइस में हमारे यहाँ पे भेज दिया। अगर चाइना कॉपी कट एंड पेस्ट कर सकता है तो मेरा ये सभी गवर्नमेंट से मेरा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, आज एक ग्रॉस की नीडल आती है फ्रॉम 70 ईयर्स, हम एक सुई नहीं बना पाए, वो भी जर्मनी से आती है। तो सारी मशीनरी अगर मेरे देश में बने उसकी हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी, हमारी फॉरेन करेंसी भी बाहर नहीं जाएगी, तो उससे हमारे लोगों को फिर से काम मिलेगा, हमारी कॉस्ट कटिंग भी होगी, तो हम तो सुपर पावर बन सकते हैं अगर ये दो काम कर लें, सिंपल टैक्सेशन कर लें और हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी लेके आए। और इस समय सारे यूरोप की जो कंपनी से हमारी जो बातचीत हो रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी को, ये कोरोना तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इज डिस्गाइज की तरह साबित होगा, क्योंकि यूरोप वाले, अब आपने सुना ही होगा भी, इटली वाले सीधा सीधा चाइना पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ ने पेनल्टीज़ भी चाइना के ऊपर इम्पोज करने के लिए उनको थ्रेट किया है। अब कोई भी उनका प्रोडक्ट चाइना का, अमेरिका वगैरह, वो उनसे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में हम वो मशीनरी को डेवलप करें, एक तो उसकी कॉस्ट कम होगी, मेरे लोगों को काम मिलेगा, तो बहुत बड़ी हमारी कंट्री की सुपर पावर बनने की संभावनाएं हैं अगर हम हमारी पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल अगर अच्छे से इसके ऊपर पॉजिटिवली तरीके से इसके ऊपर सोचे और इसके ऊपर वर्कआउट करें। थैंक यू तरुण जी, आपने हमारे साथ इतने इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल अपने इंसाइट शेयर किए। हमें डेफिनेटली पूरी उम्मीद है कि ये बात लोगों तक पहुँचेगी और इसके बेनिफिट निकल के आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।